हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड लव। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट वाले मोदक। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक डेरी मिल्क का छोटा पैकेट लिया है, ये 10 रुपये वाला पैकेट है, और एक ओरियो का पैकेट लिया है, ये भी छोटा पैकेट है, 10 रुपये वाला। तो इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत है, और साथ में हमें चाहिए होगा एक मोदक का मोल्ड। तो ये देखिए, मैंने ये मोल्ड लिया हुआ है। अब हम एक ग्राइंडर ले लेंगे और उसमें सारे ओरियो बिस्किट डाल देंगे। ये देखिए, हमने सारे बिस्किट डाल दिए हैं। ये करीब 5 बिस्किट आते हैं एक पैकेट में। अब इसे हम बहुत महीन ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तब तक एक बाउल लेके उसमें डेरी मिल्क डाल देते हैं और इसे करीब 1 मिनट तक माइक्रोवेव कर लेते हैं। आप चाहे तो डबल बॉयलर की मदद से भी इस चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। अब मेरी ये चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, तो अब मैं इसमें ओरियो का ये क्रश किया हुआ बिस्किट डाल दूंगी। तो ये देखिए, ये सारा पैकेट का जो मिक्सचर है हम वो डाल देंगे इसमें। तो ये डाल दीजिए आप सभी मिक्सचर को। अब मैं इसको चॉकलेट और ओरियो बिस्किट के क्रश को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि ओरियो बिस्किट और डेरी मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने इसमें यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मिल्क डाला है। अब मैं इसे अच्छे से और मिला लूँगी और एक डो की तरह बना लूँगी। तो इसे अच्छे से मिला लें और एक डो जैसा बना लें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ओरियो बिस्किट का डो बन चुका है। अब मैं मोल्ड में थोड़ा सा ये डो ले लेती हूँ और एक साइड इसे इस तरह से हम लगा लेते हैं। इसे अच्छे से प्रेस करें ताकि मोल्ड में अच्छे से फिट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे बीच में कुछ बादाम और किशमिश डाली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो इसमें ज़रूर लगाएं, नहीं पसंद तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं। तो इस मोल्ड में डो अच्छे से लगा लें। ये देखिए, अच्छे से अब इसे बंद कर लें। अब इसमें अभी भी काफ़ी जगह है, तो हम इसमें और थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे। इसे अच्छे से प्रेस कर लें। इसमें ज़रा सी भी जगह ना बचे, अच्छे से इसे दबा दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मोदक ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसे हम अनमोल्ड कर लेते हैं। इसे थोड़ा आराम से अनमोल्ड करें वरना ये टूटेगा। तो इसे हम अनमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम अनमोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी कितना अच्छा दिख रहा है इसमें। और ये देखिए, हमारा मोदक बन गया है। यकीन मानिए, ये खाने में बहुत ही अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको चाहिए एक ओरियो बिस्किट का पैकेट और डेरी मिल्क। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की इजी रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो फूड लव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।